मैं वो जलाली तकरीरें नहीं कर पाऊंगा जो मेरे यहाँ इससे पहले आलिम करके गए हैं। मैं उनमें से कई बातों से इत्तफाक भी नहीं करता, मैं कभी नहीं मानूंगा, कि इस्लाम तलवार से फैला था। हमें दलील से तबलीग से इस्लाम को फैलाना होगा, और जहां दलील बाकी नहीं रहती वहां तलवार उठाई जाती है। मेरे नबी ने जितनी जंगें लड़ी हैं वो डंगे उन पर मुसल्लत की गई थी तरक्की और प्रोग्रेशन की तरफ जाइए। आप ये जो मोबाइल दिखा रहे हैं ना, ये किसी मुसलमान ने इजाद नहीं किए हुए, इन्हीं को बैठकर गालियां दे रहे हैं आज हम। तो ये मुल्क तो कुरान के फैज पे बना है, पर फिर जुल्मातुम बादुहा फौकबाद, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा हो, इंजामे गुलिस्तां क्या होगा। वो कमीनी तो भौंकी नहीं थी, लेकिन मुझे अफसोस है कि जब उस भौंकने वाली को किसी ने रोका तो लोग सिर्फ उसके रोकने को देख रहे हैं, उसके अपने भौंकने को देख ही नहीं रहे। अरे एक चोर दूसरे चोर को कहे मैं तुम्हें चोरी नहीं करने दूंगा तो कहो हां बात ठीक कर रहेगा, मगर खुद नहीं ठीक, ये जिसकी हिमायत में आज तुम बोल रहे हो कि वो बड़ा हीरो है, इस कमीने ने बेहयाई थोड़ी फैलाई। 10 फिल्मों पर इसने अवार्ड लिया, क्या उन 10 फिल्मों में इसने काबे के मनाजर दिखाए? इसमें उसमें मुआशरा दिखाया, औरतों को घर से भागने की तरकीब दी। ये बेहयाई का बहुत बड़ा खुद गटर है, और आज उस बेहयाई की सौदागर को जब इसने थोड़ा सा बोला, हमारे लोगों के जहन में वो पहले सारे दाग खत्म हो गए। अभी तो चंद दिन ही गुजरे हैं इसके ड्रामे को जो पाकिस्तान में चला, लाखों लोगों को इसने बेहयाई के टीके लगाए। बल्कि इसका एक ड्रामा तो तौहीने रिसालत पर मबनी है, यूसुफ जुलेखा वाला ड्रामा। लोग पता नहीं अकल कहां है। इजा कान अल गुराबु दलील कौमिन सयहदीहिम तरीकल हालिकीना, जब कव्वे कौमों के लीडर बन जाएं तो फिर हिलाकत की तरफ ही ले जाएंगे। अरे इसने तो खुद खिरमन को आग लगाई। हां रब की ये शान है, सरकार फरमाते हैं इन अल्लाह युअय्यिदु हाज़ा दीन बिर्रजुलिल फाजिर, रब की शान है रब फाजिर बंदे से भी दीन की हिमायत करवा देता है। मगर ये कहेंगे कि ये अगर हिमायत हो कि ये दीन की हिमायत हुई, मगर खुद फाजिर ही है, खुद हीरो नहीं, खुद मुजरिम ही है। तो अगर हिमायत करनी थी तो उस जुमले की करते। और ये भी कि क्या है हिमायत कि जो खुद नंगा खड़ा हो और किसी को कहे कि मैं किसी को नंगा नहीं फिरने दूंगा, उसके जुमले की हिमायत क्या है। इसके ड्रामे इंटरनेशनल लेवल पर ये शर्म हया का जनाजा निकालने का इसे अवार्ड मिला हुआ है। कभी कहा करते थे मीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। और आज मुझे याद आ रहा है कि कहूं लोग भी क्या सादा हैं, बर्बाद हुए जिसके सबब उसी गुलुकार की बोली से हया लेते हैं। अल्लाह ताला हम सबको आफियत अता फरमाए। वा आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।